डीएनपी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। यूं तो बिग बॉस विवादों के लिए ही जाना जाता है, लेकिन इस बार इस शो में शुरू हो रहे बोल्डनेस की हदें पार कर दी गई हैं। शो में सिद्धार्थ शुक्ला एक ऐसे पर्सनैलिटी के तौर पर दिखाया जा रहा है जिसे लड़कियां रिझाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर इस शो को बॉयकॉट करने की मांग उठ रही है। आपको बता दें कि अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो सामने आया जहां बिग बॉस ने लड़कियों को इम्यूनिटी पाने का एक मौका दिया। इस इम्यूनिटी टास्क में लड़कियों को सिद्धार्थ शुक्ला से अपनी बॉडी पर टैटू बनवाना था और उन्हें इम्प्रेस करना था ताकि सिद्धार्थ उन्हें एलिमिनेशन में बचा सके। ऐसे में प्रोमो दिखाया गया कि पवित्रा पुनिया रूबीना दिलेक जैस्मीन भसीन निक्की तंबोली बाइक पर बैठे सिद्धार्थ शुक्ला के साथ डांस कर रही हैं, अपनी अदाओं का जलवा सिद्धार्थ पर दिखा रही हैं। वैसे तो ये प्रोमो काफ़ी मज़ेदार है, लेकिन कई लोगों ने इस बार आपत्ति जताते हुए शो को वल्गर और चीप बताया है। ट्रोल्स बिग बॉस 14 को बैन करने की भी मांग कर रहे हैं। बॉयकॉट बीबी 14 ट्रेंड कर रहा है। ये एक यूज़र ने तो यह भी लिख दिया कि समय आ गया है कि बिग बॉस को बैन किया जाए। पिछले सीजन में हिंसा को प्रमोट किया गया और इस बार वल्गैरिटी को। रियलिटी शो बिग बॉस के 14वें सीजन में घर के अंदर जा चुके प्रतियोगी पहले से ही धमाल मचा रहे हैं, लेकिन निर्माताओं ने कुछ और प्रतियोगियों को घर में दाखिल करने की योजना बनाई है। वैसे तो घर में पहले से ही मौजूद प्रतियोगी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहे और अपनी अजीब हरकतों की वजह से मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर छाए हुए हैं, फिर भी निर्माताओं को इतने में तसल्ली नहीं है, इसलिए वे शो में और ज़्यादा मिर्च मसाला डालकर माहौल और ज़्यादा गर्म करने वाले हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शो में नए प्रतियोगी नैना सिंह, शार्दुल पंडित, रश्मि गुप्ता हो सकते हैं। इन्हें शो में दाखिल करने के लिए पहले से ही क्वारंटीन में भेज दिया गया है। शो में प्रवेश करने से पहले इन प्रतियोगियों को बिग बॉस के घर में बने सीक्रेट रूम में रखा जाएगा। फिर बाद में जब शो के होस्ट सलमान खान वीकेंड पर घर वालों की क्लास लगाने आएंगे, उस वक्त इन प्रतियोगियों को एक दूसरे प्रतियोगी के सामने पेश किया जाएगा। अंदाजा है कि ये प्रतियोगी बाहर बैठकर शो के अंदर खेल रहे प्रतियोगियों पर लगातार नजर बनाए होंगे और उनका विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे होंगे। जाहिर है कि जब शो में नए प्रतियोगी जाएंगे तो उनके पास बड़ा धमाका करने का मौका होगा। वैसे तो शो में मौजूदा प्रतियोगी ने दर्शकों का मनोरंजन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 13वें सीजन में विजेता रहे अभिनेता सिद्धार्थ शुक्ला इस सीजन में भी शो के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वह हर प्रतियोगी के साथ कुछ ना कुछ खेल रहे हैं और अपनी ओर दर्शकों का ध्यान खींचते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार शो में कुछ बातें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से विवादों के लिए मशहूर यह शो और भी ज्यादा विवादों में आ गया। शो की प्रतियोगी निक्की तंबोली और पवित्र पूनिया ने सिद्धार्थ को रिझाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जिससे सोशल मीडिया पर इस शो का बहिष्कार करने की मांग उठ रही है। दर्शकों का कहना है कि शो के निर्माता रियलिटी शो के नाम पर अश्लीलता परोस रहे हैं, इस शो का बहिष्कार होना चाहिए। तो लगातार इस तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनपी इंडिया। साथ ही चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।